ओके, इसे नोट कर लें, मंडे टू वेनेसडे 1 to 2 इंशाल्लाह ताला। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमने अपना टॉपिक शुरू करना है। हमारा जो टॉपिक है वो है फिलिप्स कर्व ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट और वेज इन्फ्लेशन में ट्रेड ऑफ कहते हैं। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है ये, अगर कोई एक चीज आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई और चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। कोई एक चीज हासिल करने के लिए कोई एक चीज आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, इसे कहते हैं ट्रेड ऑफ। अब हमारे कॉन्सेप्ट में इसका क्या ताल्लुक है ट्रेड ऑफ का? वो कहता है कि जब आप देखें, हमने कल पढ़ा था कुछ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, याद होगा कल हमने पढ़े थे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग डिलिबरेटली बाय देयर ऑन चॉइस दे वांट टू एब्सटेन फ्रॉम वर्कफोर्स। ड्यू टू लो वेजेस स्किल्ड लेबर फोर्स ड्यू टू लो वेजेस स्किल्ड लेबर फोर्स रिमेन्स आउट ऑफ जॉब बाय चॉइस, अपनी मर्जी से जो स्किल्ड लेबर फोर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो अपनी मर्जी के साथ सिर्फ वेजेस कम होने की वजह से
काम नहीं करना चाहते। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है एक अटेम्प्ट गवर्नमेंट करती है उनको हाई वेजेस टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, हाई वेजेस दी। अब आप मुझे रिप्लाई करेंगे चैट में, जब गवर्नमेंट उनको कहेगी कि जनाब आप जॉब नहीं करना चाहते हैं बिकॉज वेजेस आर लो, आपको ये लगता है कि वेजेस कम है, तो हम आपको हाई वेजेस ऑफर कर देते हैं तो फिर काम करेंगे। बताइए तो क्या बोलो, फिर भी काम नहीं करेंगे? फिर तो करेंगे काम, ऑब्वियसली करेंगे, बिकॉज उनका जो प्रॉब्लम था, उनका जो रिजर्वेशन था, उसका जो इनका इश्यू था वो एड्रेस हो गया। जब उनका इश्यू एड्रेस कर दिया आपने तो मसला हल हो गया। लेकिन हाँ जी, बाय ऑफरिंग हाई वेजेस देयर वुड बी एन इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजम्पशन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। आप खुद सोचें कि जब आपने उनकी वेजेस इंक्रीज कर दी, आपने उनकी वेजेस इंक्रीज कर दी, वो काम करने के लिए एग्री कर गए, लेकिन वेजेस इंक्रीज होने से इनकम लेवल इंक्रीज होगा, इनकम लेवल इंक्रीज होने से कंजम्पशन या स्पेंडिंग इंक्रीज होगी। कंजम्पशन इज अ पार्ट ऑफ एडी, आपको आइडिया है, पहले हम पढ़ चुके हैं। वो एडी को जंप करेगा, एडी को पुश करेगा, तो उससे इन्फ्लेशन होगा। बोलिए, एडी इंक्रीज होगा, प्राइस शूट करेंगे। पॉइंट समझ आ गया आपको? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट तो कम कर ली, और इन्फ्लेशन शूट कर गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, प्राइस शूट कर गई। इसे हम कहते हैं ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जी अब बताइए, बात समझ आ गई सबको? पॉइंट समझ आया आपको ट्रेड ऑफ का? चले जी, ये हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हुआ। हम पहले चैप्टर में 12 शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम 11 और 12 के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे।
मॉनेटरी पॉलिसी, इसके लिए सबसे पहले तो आपको बैंकिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करें आप लोग। राइट जी, हाँ जी। अब आप बताएं कि बैंक किसको कहते हैं जी? जी बैंकिंग, बैंक एक्चुअली लोन इश्यू करता है, और डिपॉजिट्स रिसीव करता है। लोन इश्यू करता है और डिपॉजिट रिसीव करता है, लेकिन बैंक एक्चुअली, याद रख लें, सबको आइडिया है वैसे, माशाल्लाह सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं ना कहीं आप जॉब्स भी कर रहे होंगे। बैंक एक्चुअली बेस्ड अपॉन ट्रस्ट, बैंक ट्रस्ट पे चलता है जी, याद रखें। बैंक का सारा कारोबार जो है वो ट्रस्ट पे है, इसलिए ये आइसोलेशन में काम नहीं करता, याद रखें। बैंक कभी आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता, इसलिए कहा जाता है बैंक वर्क विद एन विद इन बैंकिंग सिस्टम। बैंक जो है वो बैंकिंग सिस्टम में काम करता है, और ये सारा सिस्टम जो है सुपरवाइज जो है ना, सेंट्रल बैंक, ये जी सारे का सारा, ये बैंक जो है वो सारे के सारे सेंट्रल बैंक की सुपरविजन में काम करेंगे, आइसोलेशन में बैंक काम नहीं करते। इसलिए अब देखेंगे कैसे होता है, सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक होता है, इसके अंडर कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जैसे HBL, UBL, ABL, अल्फला एटसेट्रा। और ये सारे क्या होते हैं, ये फर्दर
इनकी ब्रांचेस होती हैं, इनके रीजनल बैंक्स होते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिनका, लेकिन बहरहाल इनके उसके बाद रीजनल के बाद एरिया वाइज होते हैं। ये पूरा नेटवर्क होता जी, जिसके तहत ये सारे फिर इनकी ब्रांचेज होती हैं, फिर एरिया। तो ये पूरे कंट्री के अंदर इनका एक नेटवर्क होता है, जिसके तहत ये कॉमनली ये कॉमन प्रैक्टिस करते हैं इस तरह से। ये पूरे कंट्री में इनका एक नेटवर्क होता है। पूरे कंट्री में इनका एक नेटवर्क होता है, जिसके तहत ये काम करते हैं। ओके, अब इन सब में जो मरकजी किरदार होता है, जो सेंट्रल एक्चुअली रोल होता है, वो सेंट्रल बैंक का है। अब ये सेंट्रल बैंक इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेता क्यों है? अगर किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो इतनी बड़ी टेंशन लेता क्यों है जी? सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस हैं, सेंट्रल बैंक के कुछ काम हैं, याद रखें। सेंट्रल बैंक के कुछ अपने टारगेट्स हैं, ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसके अंडर काम करता है, और जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक रोल प्ले करता है। मेरा ख्याल ईद का, मेरा ख्याल रमजान का चांद शेयर नजर आ गया। देखिएगा न्यूज आ गई इसकी कोई, मुझे लगता है। अगर रमजान का चांद शेयर नजर आ गया, अगर आप भी सुन पा रहे हैं तो मेरी तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। हाँ जी, मेरा ख्याल, हाँ जी मेरा ख्याल है कि कोई न्यूज ऐसी जी। चलें जी, आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम लोगों को अल्लाह ताला इसकी बरकतें अता करे, और आप लोगों की फैमिलीज को भी इसकी ब्लेसिंग्स हो, और एक अच्छा अच्छा सा रमजान हम सब के लिए आए, और अल्लाह ताला आप लोगों को इसमें जो आप दुआएं मांगे वो कबूल करे, आपकी फ्यूचर ब्राइट हो, आप लोगों के घरों में सुकून हो, आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हों। आमीन जी, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, खैर मुबारक। एक सेकंड होल्ड कीजिए जरा, एक सेकंड प्लीज।
वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है। मतलब आप यूं देखें कि किसी भी कंट्री में एक जितने भी करेंसी नोट हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सारे के सारे स्टेट बैंक जारी करता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जब बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए होती है, ये जो स्टेट बैंक है ये जनरल पब्लिक के लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड डायरेक्टली नहीं करता, ये गवर्नमेंट को डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बैंकर टू द बैंक्स है, जितने बैंक्स हैं ये अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो हैं वो स्टेट बैंक के साथ करता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, जब कमर्शियल बैंक्स क्राइसिस में आ जाते हैं, कमर्शियल बैंक्स जब डेट्स में आ जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो ये उनकी हेल्प करता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी सहारे के तौर पे। एक्सचेंज रेट कंट्रोल, ये जो आपका एक्सचेंज रेट है डॉलर का, डॉलर के साथ आपका जो रेट है, ये डॉलर के साथ जो आपका रेट होता है ये स्टेट बैंक तय करता है। क्लियरिंग एजेंट, क्रॉस चेक का आइडिया है आप लोगों को, क्रॉस चेक्स, क्रॉस चेक्स, स्टेट बैंक क्रॉस चेक्स को बैंक्स के दरमियान में क्लियरेंस करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। जितने भी चेक्स होते हैं इंटर बैंक, उनकी क्लियरेंस की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट बैंक की होती है। जी, एस्टैब्लिश स्पेशलाइज्ड बैंक, कंट्री के अंदर बेशुमार बैंक्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक या ZTBL सरी तरक्याती बैंक है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। इंडस्ट्रियल बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। SME बैंक है, स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज एंटरप्राइजेस, उनके लिए काम करता है। तो ये स्पेशलाइज बैंक कहलाते हैं, जो स्पेशल टारगेट्स और स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेन जो काम है ना स्टेट बैंक का, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक का जो मेन काम है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाना और उसकी एग्जीक्यूशन, ये याद रखिएगा। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी पे बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक टू मेंटेन इन द कंट्री, किसी भी मुल्क में जो मनी सप्लाई है उसको मेंटेन करना स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है, स्टेट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब अगर मनी सप्लाई चेंज होती है तो आपको आइडिया है सप्लाई और डिमांड की वजह से जो इंटरेस्ट रेट होगा वो चेंज हो जाएगा। बोले डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी। सर आप पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद एक नतीजे पे पहुंचे होंगे कि इकोनॉमिक्स इज अ मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या ख्याल है, सारी इकोनॉमिक्स जो है वो
डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलती है। अब अगर मनी सप्लाई चेंज होगी तो सर्टनली आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो फ्लक्चुएट करेगा। अब इंटरेस्ट रेट अगर फ्लक्चुएट करेगा बोरोइंग और लेंडिंग इफेक्ट होगी। बोलें बोरिंग और लैंडिंग इफेक्ट होगी कि नहीं होगी? यस, बोरिंग और लैंडिंग इफेक्ट होगी। अब बोरिंग और लैंडिंग इफेक्ट होगी तो एडी और एएस इफेक्ट होगा। बोलिए, जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, इन्वेस्टमेंट चेंज होती है, बोरिंग लैंडिंग चेंज होती है, डिपॉजिट चेंज होते हैं, तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। जब एडी चेंज होगा तो फिर खुद सोचें पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज नहीं हो जाएगी? इसका मतलब एक अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी सस्टेनेबल ग्रोथ की जिम्मेदार होती है। एक अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी जो होगी वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जरूरी होगी। ओके सर, पॉइंट समझ आया? मॉनेटरी पॉलिसी कितनी जरूरी होती है किसी मुल्क के लिए। अच्छा, स्टेट जब रिजर्व्स कम हो जाएंगे कम इश्यू कर पाएंगे। ओके जी, लास्ट होता है जी डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब होता है कि स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक को डायरेक्टली थ्रेट करता है कि अगर मेरी पॉलिसीज ना मानी गई तो मैं आपकी जो रजिस्ट्रेशन है मेरे साथ मैं उसको कैंसिल कर दूंगा। सर आप माइंड ना करें तमाम स्टूडेंट्स, अब यहाँ जो है वो शायद आपको जब चांद आ जाता है रमजान का फैमिलीज में वो आ जाती है गैदरिंग्स, आपको भी फील हो रहा होगा बड़ा क्राउडेड है। हम इन आज क्लास को यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ। ये आज के जो 30 मिनट्स हैं मैं इसको किसी और लेक्चर के साथ एडजस्ट करके कॉम्पनसेट करूंगा इंशाल्लाह ताला। सो सॉरी फॉर इट, यहाँ मैं वाइंड अप कर रहा हूँ तो मैं इंशाल्लाह ताला इन 30 मिनट्स को रमजान के किसी भी एक लेक्चर के साथ मिलाकर इसको कॉम्पनसेट करूंगा। ओके जी, और मॉनेटरी पॉलिसी को हम प्रॉपरली शुरू करेंगे 30 मिनट्स को एडजस्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।